हेलो एवरीबॉडी, आज के इस लेक्चर में हम लोग दोबारा से लुईस स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं स्पेशली तीन मॉलिक्यूल्स का डिस्कस करूंगा लुईस स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आप लोगों के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को, HCN के स्ट्रक्चर को और सबसे इम्पोर्टेंट नाइट्रस ऑक्साइड N2O के स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये दो तो सिंपली हो जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझें कैसे लगेगा टाइम। तो पहले हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला मॉलिक्यूल आपको दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर में दो ही आइटम है, सी यहां लिखा, ओ यहां लिखा। अब क्या करते हैं, इनके पहले लगते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सी का नंबर 6 होता है, 2, 4, तो इसमें चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओ का नंबर 8 होता है, 2, 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शामिल होंगे इस मॉलिक्यूल में 10 है, तो शामिल होंगे इसमें 10। 10 को ऐसे एडजस्ट करना है इस मॉलिक्यूल में कि दोनों एटम्स के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ठीक है जी, देखते कैसे करते हैं इसको, क्लियर हो गया। तो पहले मैं सी के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखने वाला हूं कि बॉन्ड बनाएगा सी, तो 2 यहां लिखूंगा और 2 यहां लिखूंगा। ओके, 6 लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसके बीच में और इसके बीच में, फिर इसके बीच में, इसके बीच में बनाता हूं, तो देखिए सी के कितने हो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसके 8 पूरे हो चुके हैं, आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब क्या है, तरह से बॉन्डिंग तो हो गई है, ओ का ऑक्टेट भी पूरा हो गया पर सी का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल स्टेबल अब भी नहीं है। तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम है डेटरी बॉन्ड कह दीजिए या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कह दीजिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की खास बात ये होती है कि उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड एटम्स में से एक जने के ही होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ के जो दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये दो चूज कर लिए मैंने, इनकी मदद से ओ जो है डेटरी बॉन्ड बनाएगा सी की तरफ। नेटिव बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है, एरो के थ्रू करते हैं उसको रिप्रेजेंट। इस एरो का होता है दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, ओवरऑल क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन ओके ही हैं। तो ये आप इसमें क्या होगा, सी के भी 8 पूरे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक नेटिव बॉन्ड के साथ 3 बॉन्ड है सी और ओ के बीच में ऐसे, और दोनों एटम के पास एक एक लोन पेयर है। तो दिस इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर हो गया होगा। दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं HCN, कौन सा ले रहा हूं मैं, HCN। पहले का स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखते हैं HCN। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने शामिल होने वाले उनको काउंट करते हैं, एक तो एच का इलेक्ट्रॉन है और 4 सी के इलेक्ट्रॉन है और 5 इसके इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, क्योंकि एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सी का 6 होता है, 2, 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सी के लिए है। एन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कॉन्फिगरेशन लेके 2, 5, तो 5 वैलेंस एन के, टोटल कितने हो गए, यहां भी 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब देखो H जहां पे आ गया तो H अपने बगल वाले एटम के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन H का शामिल होगा और 3 में से एक C का शामिल होगा यहां बॉन्ड बनाने के लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए C के पास, तो 1, 2, 3, 4 हो गए, इसके चौथा ये रहा। एन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो दिमाग लगाते हुए काम करना है, 3 मैं यहां लिख देता हूं, 1, 2, 3, अब पेयर यहां लिख लिया। अब मान लो अगर ये बॉन्ड बनता है, ये भी बनता है और ये भी बनता है, इसमें क्या फायदा हुआ, सी के 8 पूरे हो गए, गिन लीजिए आप, 1 2
तीन चार पांच छह सात आठ, एन के पूरे आठ पूरे हो गए। तो दिस इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एच सी एन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन को ना दिखाते हैं, बॉन्ड को दिखाएंगे, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन विद ए लोन पेयर। तो ये अभी दो ही मॉलिक्यूल हुए, इसके बाद हम एन टू ओ का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, और आज का आखिरी मॉलिक्यूल है एन टू ओ। देख इसका, इसके दो तीन नाम है, कॉमन नाम तो इसका होता है लाफिंग गैस, क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, अगर इंसान सूंघ ले तो ऐसा महसूस होता है कि हंसने लगा हुआ आदमी। दूसरे इसके दो जो केमिकल नेम है, एक तो है इसका नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका दूसरा नाम है डाइनाइट्रोजन। तो दो नाइट्रोजन आइटम है ना, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। क्लियर होगी उनकी बातें आपको। ठीक है जी, जहां तक इसके यूज की बात है, इसका इस्तेमाल जो होता है, इट इज यूज्ड एज ए रॉकेट मोटर एज एन ऑक्सीडाइजर। पहला इस्तेमाल समझ में आ गया। दूसरा जो है वो है, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन मेडिकल फील्ड। और तीसरा जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड्स। ये तो यूज हो गया इसका, इससे पहले मैं कोई यूज वगैरह नहीं बताया था किसी के भी, पर क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ट्वेल्थ क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल वगैरह बता रहा हूँ उसका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका लो स्ट्रक्चर। इसका जो लो स्ट्रक्चर है, इनकी तरह कॉमन सिंपली नहीं आ जाएगा। क्लियर कर देता हूं, पहले इसमें तीन आइटम है एन एन ओ। तो पहले इसका लिखूंगा मैं इसका वही स्केलेटल स्ट्रक्चर एन एन ओ। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं गिनता हूं इन दोनों सारे वाले एटम्स के, तो एन के पांच होते हैं, दो एन है तो टू इंटू फाइव, प्लस इसके छह होते हैं, टोटल हो गए 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल आपको 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इन नाइट्रोजन एटम्स और ओ एटम्स के ऊपर सेट करना है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं, पहले एन इनके पीछे वाले सिंगल बॉन्ड बना लेता हूं। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, सबको पता है दो इलेक्ट्रॉन है होते हैं सिंगल बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन एन का ले लिया, एक इस एन का ले लिया, एक इस एन का, एक इस ओ का। टोटल मैं चार इलेक्ट्रॉन यूज करता हूँ, 16 में से मैंने टोटल आपके चार इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है जी, आप बचे कितने, 12 को अगर मान लो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये है कि जो टर्मिनल आइटम्स हैं इस एन और ये ओ, इनके तो आठ आठ पूरे हो चुके हैं। गिन लीजिए जी आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर इसका नहीं हुआ ऑक्टेट पूरा। इसका मतलब स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होने वाला है। क्लियर, अब करते हैं काम, देखो आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर मैं इन दो इलेक्ट्रॉन को यहां गिरा दूं और इनको भी यहां गिरा देता हूं, तो जो मेरा स्ट्रक्चर जो मेरे सामने आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, इसका मुझे फायदा क्या वो देख लीजिए। फायदा ये हुआ है, इन दोनों आयंस के ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी हो चुके हैं, फिर चार बॉन्ड है तो चार दुनिया आठ, ओ तो था ही पूरा। पर अब सवाल ये आता है कि अगर यहां वाले इलेक्ट्रॉन गिर सकते हैं एन के बीच में, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन छह ही थे, ये तो गिर सकते हैं, तो एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आ सकता है। अगर ये यहां गिरते हैं ये वापस जाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर मेरा ये आएगा, सिंगल बॉन्ड ही रखा और ट्रिपल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया वो एन के बीच में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, वो ये बन सकती है कि क्यों ना इन एटम से जो डबल बॉन्ड ही लग जाए, ऐसी भी तो बन सकती है बात। आई मीन टू से यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो दो पेयर रह गए,
और यहां से भी दो पेयर रह गए आपके। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, पर है इनमें तीन में से एक ही पॉसिबिलिटी। तो उस पॉसिबिलिटी को हम चेक कैसे करते हैं? एक टॉपिक आता है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में 11th क्लास में फॉर्म ऑफ चार्ज। अब ये बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर N2O का सही स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स के अंदर इन तीनों एटम्स के बार बार फॉर्मल चार्ज निकाल के चेक करेंगे। और चार्ज को मैं यहां पे लिख करके आपको बता दूंगा। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एटम के जो निकालते हैं, वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम प्लस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बस क्लियर हो गया। N2O का फायदा ये है इस टॉपिक में कि हम फॉर्मल चार्ज को भी डिस्कस कर देंगे यहां पे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं पहले मॉलिक्यूल को ले रहा हूं, पहले स्ट्रक्चर को ले रहा हूं और GHO नाइट्रोजन पर मैंने टिक लगाया है। इसका फॉर्मल चार्ज अगर मैं निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, N के पास पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 माइनस हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब इस N के पास बॉन्ड कितने तीन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 3 × 2 = 6 माइनस अनबॉन्डेड दो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। कैलकुलेट करने पे चार आंसर क्या आएगा, 5 − 3 − 2 यानी 5 − 5 = 0। इसका चार्ज कितना, फॉर्मल चार्ज 0 लिख लिया ऊपर। ऐसे ही मैं अगले एटम का भी निकालूंगा इसी मॉलिक्यूल में, तो उसको देख लेते हैं भाई। फिर फॉर्मल चार्ज की उस कंडीशन से डिस्कस करेंगे कि उसके हिसाब से क्या होता है अपना कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो 5 इसमें भी है माइनस हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 8 है, तीन बॉन्ड ये रहे एक ये रहा, तो 4 × 2 = 8 अनबॉन्डेड कोई नहीं है 0। तो 5 − 4 का आंसर आएगा 1 प्लस 1, तो प्लस 1 मैंने लिख लिया है अभी, ठीक है। ऐसे मैं O के लिए भी निकालूंगा इस मॉलिक्यूल में, O के लिए देखते हैं, O के ज्यादा इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं माइनस हाफ बॉन्ड एक ही है 2 अनबॉन्डेड कितने 6। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखो ये प्लस का 6 है माइनस का 6 है कैंसिल, आंसर माइनस 1 ही आएगा आपका। ये तीनों इस मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर आपको पहला स्ट्रक्चर जो लिखा था इसमें जो तीनों आइटम थे उन तीनों का मैंने फॉर्मल चार्ज निकाल के ऊपर लिख लिया 0 + 1 − 1। ऐसे ही मैं दो जो स्ट्रक्चर है उनके भी निकालेंगे। फॉर्मूला तो याद रखिएगा फॉर्मल चार्ज का, बस पहले एन का इसका निकाल रहा हूं मैं, वही सेम वही 5 इलेक्ट्रॉन होते ही नाइट्रोजन के अंदर माइनस हाफ बॉन्ड एक ही है 2 अनबॉन्ड कितने 6, आंसर क्या आएगा देखते हैं, 5 − 1 − 6 यानी कि 4 − 6 कितना आएगा, ये 4 − 6 गड़बड़ हो रही कुछ, 5 − 1/2 × 2 − 6 ठीक है, 5 − 6 का आंसर आएगा −1। जीरो क्या चल रहा है, 0 ठीक है जी। हाँ सॉरी −2 आएगा इसका आंसर, सॉरी। तो यहां मैं लिख लिया −2। अब अगले आइटम का निकालूंगा, ठीक है जी, देखिएगा इसको 5 − 1/2 चार बॉन्ड है 8 = 0 5 − 4 + 1 O का निकालते हैं 6
माइनस हाफ, तीन बॉन्ड है मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए सिक्स, अनबॉन्ड दो एक पेयर है मतलब टू, ओवरऑल आ गया सिक्स माइनस थ्री माइनस टू, यानी कि थ्री माइनस टू प्लस वन ही आएगा ना, ठीक है जी। अब वहां देखते हैं तीसरे मॉड्यूल तीसरा जो स्ट्रक्चर लिखने की संभावना है उसके अंदर निकालते हैं। देखिए नाइट्रोजन फाइव माइनस हाफ, दो बॉन्ड है मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स, अनबॉन्डेड कितने चार, फाइव माइनस टू माइनस फोर मतलब आंसर आएगा माइनस वन। दूसरे में क्या है नाइट्रोजन ही है फाइव माइनस हाफ, बॉन्ड कितने चार बॉन्ड है वन टू थ्री फोर मीन्स यहां पे आएगा एट, और अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं है जीरो, तो मतलब आंसर आ गया फाइव माइनस फोर प्लस वन। वो की बात करते हैं सिक्स माइनस हाफ, दो ही बॉन्ड है मतलब यहां पे फोर, अनबॉन्डेड भी फोर ही है, तो यानी यहां पे आपका सिक्स माइनस टू माइनस फोर यानी सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ठीक है जी। तो ये तो हमने क्या किया फॉर्मल चार्ज हमने निकाल लिए, फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद अब आपको मैं तीन कंडीशन बताऊंगा लिख दूंगा और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे। अब फॉर्मल चार्ज के बेस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई अगर एक मॉलिक्यूल के एक से अधिक स्ट्रक्चर लिखे जा रहे हैं तो कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि भाई आपके स्ट्रक्चर में जो है सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज जीरो होना चाहिए। अब सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज किसी भी स्ट्रक्चर में जीरो नहीं है तो वो तो यहां पर अप्लाई होगी नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर या जिसको भी आप बनाना चाहते हैं पॉसिबल स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का है तो उस मॉलिक्यूल के उस स्ट्रक्चर के अंदर दो मैक्सिमम जो एटम्स है, अगर सारे नहीं तो चलो कोई बात नहीं, एक आधे का प्लस माइनस हो सकता है पर मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स का जीरो होना चाहिए, या इस कंडीशन भी कोई ऐसा सिद्ध नहीं बैठ रहा है। तीसरा जो है तीसरी कंडीशन यहां पर सेटल हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जो बॉन्डेड एटम्स हैं जैसे यहां पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनमें से जो एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसका फॉर्मल चार्ज माइनस में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, सबको पता है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्योंकि पीरियड के अंदर दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, पीरियड में साइज क्या होता है घटता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बढ़ता है, तो साइज घटता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अब अगर मैं पहले स्ट्रक्चर को देखता हूं तो देखिए यहां पे ओ का चार्ज माइनस में है, एन का तो भी प्लस वन भी है जीरो भी है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। दूसरी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओ का तो प्लस में दिखा रहा है तो ये तो अपने आप ही कट हो गया आपका, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरे में भी ओ का चार्ज जीरो दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, माइनस में किसका दिखा रहा है नाइट्रोजन का, देख ले माइनस वन लिखा हुआ उसके ऊपर, ठीक है दो कंडीशन में लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल नहीं है N2O का। तो पहले एक स्ट्रक्चर आपका बचता है पहले वाला जो कि 100% नाइट्रस ऑक्साइड का पॉसिबल लुई स्ट्रक्चर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आज का लेक्चर इतना ही है, अगर आपको ये N2O का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल आया होगा लेक्चर के हिसाब से, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।